नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 14 नवंबर 1972 को स्वर्गीय इंदिरा गांधी का ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे युवाओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से की गई थी। तब से लेकर अब तक देश भर में नेहरू युवा केंद्र इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। सोलन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा अपना 45वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जिला स्तरीय सांस्कृतिक एवं गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एडीएम संदीप नेगी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। स्थापना दिवस के मौके पर जिला सोलन के नेहरू युवा केंद्रों की विभिन्न छात्राओं ने अपनी लोक संस्कृति को दर्शाते हुए एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। एडीएम संदीप नेगी ने बताया कि सन 1972 में 14 नवंबर को स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे युवाओं की प्रतिभा को निखारने व संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। उन्होंने बताया कि आज नेहरू युवा केंद्र अपने उद्देश्य को भलीभांति निभा रहा है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, जो कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा नेहरू युवा केंद्र है, इसकी स्थापना भी आज ही के दिन 1972 में हुई थी। तो आज यहाँ पे जो जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से ये आयोजित किया गया है। इसमें सोलन जिले के हर हिस्से से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जो अपनी संस्कृति को यहाँ दिखाया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भी लोगों ने अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छे से यहाँ दिखाया है। मैं समझता हूँ कि नेहरू युवा केंद्र का ये जो प्रयास है अपनी संस्कृति को समझाने का, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसमें ये पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी सफल हुए हैं।